मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास देने जा रहे हैं। इसमें जो हम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और चतुर्थ सेमेस्टर वाले जो NCC के हैं और जो भी क्लासे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, क्योंकि सभी विषयों के इम्पोर्टेंट वीडियो जो बहुविकल्पीय एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमारी प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो हम देर न करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यूनिट फर्स्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें सक्रिय रहकर हम व्यवहार और आदर अर्जित कर सकते हैं? तो इसका प्रश्न उत्तर है शारीरिक शिक्षा। स्वीडन में किसके प्रयासों से शारीरिक शिक्षा का उत्थान हुआ था? तो इसका आंसर सी है, सर हेनरिक लिंग। किस उम्र का निर्धारण प्यूबर्टी को देखकर होता है? इसका ऑप्शन है बी, फिजियोलॉजिकल एज। एक एथलीट का हृदय 1 मिनट में कितनी रक्त को पंप करता है? तो ये 22 लीटर रक्त पंप करता है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए नए खेलों का नाम बताइए। तो है सी, इन स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल सॉफ्टबॉल। 2020 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक गैलो खेलों का मोटो क्या था? तो वो था डिस्कवर टुमारो। शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो इसका आंसर सी है, सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन किसमें नहीं थे? तो है व्यवहारवाद में, सी ऑप्शन सही है। लीन बॉडी मास है तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मांसपेशी हड्डी और शरीर के बसाहीन ऊतक। मीजोमॉर्फ संबंधित है? तो इसका आंसर है वी, मांसपेशियां और ताकत से। तो मीजोमॉर्फ क्या है? तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है और शरीर की स्किन होती है उसके बीच में क्या होता है, मांस होता है, तो इसे मीजोमॉर्फ बोलते हैं। एंडोमॉर्फ क्या है, ये संबंधित है किससे? तो एंडोमॉर्फ मतलब होता है जिसके में अंदर को मोटा हो, यानी ये ऑप्शन सही है। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये 1984 में हुई। पिकनिक बेल्ट संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, छोटा और मोटा। एक्टोमॉर्फ संबंधित है? तो ये दुबला पतला से, आंसर बी सही इसका। कॉर्फबॉल खेल किनके द्वारा खेला जाता है? तो इसका आंसर बी, केवल महिलाओं द्वारा। एक एथलीट का हृदय होता है? तो ये बी ऑप्शन सही है, व्यायाम के समय काम करता है और आराम अधिक करता है। NSNIS पटियाला का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर ये सही है, कार्यकारी निदेशक शिक्षाविद। कौन शारीरिक शिक्षा को प्राण वाइटिलिटी शैक्षणिक अनुशासन के रूप में देता है? तो इसका आंसर सी सही है, वैज्ञानिक सिद्धांत। जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी शुरू करता है टेनिस खेलना तो इसका क्या स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ता है? तो डी, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक। शारीरिक शिक्षा के अध्यापन प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय क्या है? तो इसका उत्तर बी, NCERT, राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आदमी और औरत हर चीज में अलग हैं सिवाय, तो ये है शारीरिक कामकाज। अगला है, अच्छी मांसपेशियां टोन आधिक रूप से संबंधित हैं एक अच्छे प्रतिक्रिया समय से। मांसपेशियों को अच्छी तरह से टोन में रखने का अकेला तरीका कौन सा है? तो सी, ठीक से और पर्याप्त रूप से व्यायाम करें। एकीकरण और सीखना मुख्य अंग है मनुष्य के, सी ऑप्शन सही है, वृद्धि एवं विकास। निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसको मदर सपोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती? तो हंटिंग को नहीं दी जाती है, हंटिंग तो आप जानते ही होंगे, सी ऑप्शन सही है। हाल ही के समय में किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा का एक नया रूप दिया गया है? इसका आंसर सी सही है, ओलंपिक गोल्ड की भूख। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है? तो इसका आंसर सी है, रिक्रिएशन या मनोरंजन। मनुष्य के हृदय का आकार लगभग होता है? तो ये बंद मुट्ठी के बराबर होता है, आंसर इसका ए बिल्कुल सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर डी सही है, 1991-92। किस उम्र की लड़कियां शारीरिक पहलू से लड़कों से बढ़ने में आगे होती हैं? तो यह है मध्य बचपन। व्यक्ति का आसान पोस्चर जब तक सीधा रहता है जब तक उसके शरीर में सही स्थिरता रहती है, सहन क्षमता और ताकत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रकार के व्यायामों के दौरान मांसपेशियों का संकुचन नहीं होता? तो आइसोमेट्रिक व्यायामों के कारण। निम्नलिखित में से किसको एरोबिक नहीं माना जाता? इसका बी उत्तर सही है, योग एक्सरसाइज। डेनमार्क में फॉक हुई स्कूल ऑलराफ में किसने स्थापित किए? इसका ए सही है, नॉल्स बुक। एक व्यक्ति का आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी, नंबर एक, जीवन शैली से। एक्टोमॉर्फिक शरीर गठन वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो आप जानते, दुबला पतला होता है, सहन क्षमता और आधारित।
शेल्डन किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था व्यक्तियों को अपने शारीरिक परीक्षण के रूप में 1 से 7। अरस्तु ने अत्यधिक महत्व दिया तो यह बौद्धिकता पर। ओमोमोरफ किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं तो पॉट पेट आकार का, जिसका पेट पॉट के आकार का हो। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई तो ये हुई, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 776 BC।